हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2021 क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों का जो है नीट प्रीवियस यानी कि नीट 2021 का क्वेश्चन पेपर, वो भी विद आंसर की विद सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करें तो उसके लिए गाइस आप लोगों को प्रीवियस पेपर जो है यहाँ पे सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहाँ पे हम 2021 का आपका नीट का क्वेश्चन पेपर विद आंसर के आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, हर एक सेट का देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का। सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने पे गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ऊपर हेडिंग में यहाँ पे लिखा हुआ दिखा, देख सकते हैं नीट क्वेश्चन पेपर 2021 विद आंसर की बाय एनटीए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीट क्वेश्चन पेपर 2021 इन इंग्लिश। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे विद आंसर की। देख सकते हैं यहाँ पे आपको लैंग्वेज एंड पेपर कोड दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे नीट क्वेश्चन पेपर पीडीएफ, नीट आंसर की पीडीएफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश का M1, N1, O1, NP1। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 2022 या किसी भी ईयर के लिए, मैं उनको बता दूँ कि नीट 2021 में जो पेपर कंडक्ट हुआ था वो चार साइट थे, MNONP। तो ये चार साइट थे, तो उसी तरह से देख सकते M1, N1, O1, NP1, सेम वहाँ पे M2, N2, O2, NP2, उसी तरह से पूरा 6 तक आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल जाएगा। यानी कि M सीरीज के टोटल 6 साइट है, N के 6, O के 6, NP के 6। तो यहाँ पे पूरे 6 आप लोगों को यहाँ से लाइन पे मिल जाएंगे। और उसी के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड लिंक, और यहाँ पे आपको आंसर की का डाउनलोड लिंक दिखाई देगा। तो क्या करना है, सिंपली डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते गाइस आप लोगों के सामने यहाँ पे देख सकते हैं आप पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे M1 का गाइस आपका जो M1 साइट है, यहाँ पे आप जैसे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे देख सकते हैं क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, चार ऑप्शन दे दिए, अगेन क्वेश्चन एंड ऑप्शन दे दिए। तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन पेपर का आंसर की आपको चाहिए, उसके साइड में जो यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड पीडीएफ आंसर की के सेक्शन में, उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पे आंसर की जो आंसर की का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं M1 बुकलेट का ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहां से आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन है, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का यहाँ पे सेकंड यानी कि R2/R1 ये आप लोगों का आंसर है। तो इस तरह से गाइस आप लोग यहाँ पे किसी भी सेट का 2021 का इंग्लिश लैंग्वेज का आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन यानी कि विद आंसर के यहाँ पे दोनों पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना है, किसी भी सेट का आप डायरेक्टली ऐसे आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, अगर आप वहाँ पे नीट 2021 के अलावा और भी किसी ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं किसी और लैंग्वेज के, तो वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ओपन करके भी बता दिया आप लोगों को, डाउनलोड पीडीएफ फर्स्ट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन पेपर का, सेकंड यहाँ पे आंसर की का है। सिंपली लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकेस कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।